अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हर चीज की समझ आ जाती है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, वो अक्सर अजीबोगरीब चीजें खा जाते हैं। आज हम आपको जानवरों के पेट में मिलने वाली कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों भारत में हर जगह गंदगी और कचरा है और वहाँ लोग बैलों को खुला छोड़ देते हैं और इनके खाने पर तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही ये 7 साल का बैल जिसका नाम नंदी था, इसने काफी सारा कचरा खा लिया जिसकी वजह से ये बीमार हो गया। और जब एनिमल रेस्क्यू टीम ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो इसका ट्रीटमेंट किया गया, जिसमें इसके पेट से 90 किलो कचरा निकला। इसमें लोहे का स्क्रू, नट बोल्ट, छड़ी और प्लास्टिक की कई चीजें मौजूद थी और ये कचरा इसके पेट में 6 साल से था, मगर अब ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों चाकू इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है, मगर इस डॉग को देखें। जब ये बार बार बीमार होने लगा तो इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि इसके पेट में 8 इंच का चाकू है। फिर चाकू निकाल लिया गया तो ये डॉग ठीक हो गया। अब इस डॉग को देखें जिसकी उम्र 10 महीने थी और ये उल्टियां करने लगा और 2 दिन तक उल्टियां करता रहा, तो इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर एक्सरे किया गया तो सब लोग हैरान रह गए क्योंकि इस डॉग के पेट में एक साबित बल्ब था, मगर सब सोचने पर मजबूर हो गए कि डॉग ने बगैर तोड़े इसको निगल कैसे लिया। दोस्तों ये वाक्या थाईलैंड का है, जहां मौजूद इस कछुए को देखें जिसकी उम्र 25 साल थी और जिस पानी में ये रहता था वहां अक्सर लोग क्वींस फेंकते थे ताकि इनकी विश पूरी हो, और ये कछुआ इन क्वींस को निगल लेता था। और मार्च 2017 तक ये 1000 क्वीन खा चुका था और फिर डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया और क्वींस निकाले तो इसको ब्लड प्वाइजनिंग हो गया और फिर दूसरा ऑपरेशन किया तो ये हमेशा के लिए कोमा में चला गया। इस सांप को देखें, इसका नाम होटनी है। इसका पेट कुछ दिनों से सूजा हुआ था तो इसकी मालकिन इसको डॉक्टर के पास ले गई, जिस पर इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि इसके पेट में ब्लैंकेट है जिसे ये वायर के साथ निकल गया है। फिर इसकी सर्जरी की गई और 7 इंच का कट लगाकर इस ब्लैंकेट को निकाला गया और खुशकिस्मती से ये सांप अब ठीक ठाक है। मगरमच्छ अक्सर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं, तो उनके लिए कछुओं को खाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर इस मगरमच्छ के साथ कुछ अजीब वाकया हुआ। यहाँ लोगों ने मगरमच्छ को खाने के लिए पकड़ा तो इसके पेट से 3 कछुए निकले। उनमें से 2 तो ठीक थे मगर 1 की हालत नाजुक थी। असल में कछुए की स्किन काफी हार्ड होती है जिस वजह से मगरमच्छ इनको चुबा नहीं सका और ऐसे ही निगल गया। अक्सर सांप बड़ी बड़ी चीजें खा जाते हैं, मगर ये वाक्य सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सांप को काफी नाजुक हालत में पकड़ा गया और जब डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया तो इसके अंदर से एक बड़ा मगरमच्छ निकला जो इस सांप से भी बड़ा था, मगर लोग हैरान रह गए कि आखिर सांप ने इसे निगला कैसे। कंबोडिया के इन दो नौजवानों को देखें, इनको एक बड़ी मछली मिली जिसको इन्होंने खाने के लिए काटा तो पता चला कि इसके अंदर मगरमच्छ के 2 बच्चे हैं और वो मर चुके हैं। लेकिन आज तक सुना था कि मगरमच्छ मछलियां खाते हैं, लेकिन ये मछली काफी हैरानकुन थी। इस फैमिली के पास एक डॉग था जो कि अचानक उल्टियां करने की कोशिश करने लगा तो इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसका एक्सरे किया तो पता चला कि इसके पेट में काफी कुछ भरा है और फिर ये सब कुछ निकाला तो पता चला कि इस डॉग ने 43 सॉक्स को निगल रखा था, मगर ट्रीटमेंट के बाद ये डॉग बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों आजकल प्लास्टिक जानवरों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है जिसकी वजह से समुद्री जानवरों को भी मुश्किलात होती है। इंडोनेशिया के बीच पर मिली ये व्हील इस बात का सबूत है क्योंकि इसके जिस्म से काफी सारा प्लास्टिक का कचरा मिला। इसके पेट से 115 प्लास्टिक कप, 25 पाइप और दूसरी चीजें मिली, मगर ये कोई पहली व्हील नहीं। इससे पहले भी एक व्हील प्लास्टिक खाने की वजह से मर गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।